बात करते हैं गैंग्स ऑफ आदमखोर की। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िए अब तक 10 लोगों का शिकार कर चुके हैं, जबकि 40 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुके हैं। अब तक विभाग 4 भेड़ियों को पकड़ चुका है, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी खौफ का दूसरा नाम गांव में बने हुए हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 4 पिंजरे लगाए गए हैं, जबकि ड्रोन से उनकी मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। भेड़िए हर रात किसी न किसी पर अटैक कर रहे हैं। मार्च के बाद भेड़ियों ने अगस्त में अटैक किया और अब ये सिलसिला सितंबर महीने की शुरुआत में भी जारी है। बहराइच के महसी में भेड़ियों का सबसे ज्यादा आतंक है। 50 से ज्यादा गांव में तकरीबन 80,000 से ज्यादा लोगों की नींद उड़ी हुई है। अब तक बच्चों को निवाला बना रहे भेड़ियों ने अब बुजुर्ग और महिलाओं पर भी अटैक करना शुरू किया। बीती रात भेड़िए ने एक बार फिर से नौवन गरेठी गांव में 3 साल की बच्ची अंजलि का शिकार किया। इसके अलावा 12 बीघा गांव में 60 साल की कमला देवी और पिपरी मोहन गांव में 55 साल की सुमन देवी पर भी हमला किया। दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। उधर पूरा प्रशासन भेड़ियों को पकड़ने में जुटा है, लेकिन वन विभाग के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। बहराइच के महसी में भेड़ियों का खौफ इस कदर है कि ग्रामीण रात भर खेतों में पहरा देते हैं, ताकि उनके बच्चे और परिवार वाले आराम से सो पाएं। 10 से 15 ग्रामीणों की टीम बारी बारी से पहरा देती है। भेड़ियों से गांव की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने खास तैयारी की है, जबकि भेड़िए को पकड़ने के लिए खास प्लान भी बनाया गया है। 49 दिन में भेड़ियों ने 40 से ज्यादा हमले अब तक किए हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 10 ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही गांव में 4 पिंजरे, 8 थर्मोसेंसर लगाए गए। 50 से ज्यादा वनकर्मी पिंजरा और जाल लगाने में जुटे हुए हैं। थर्मल ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। 200 PSC जवान तैनात किए गए हैं। राजस्व विभाग की 32 और वन विभाग की 25 टीमें हैं। नदी के पास खेतों में अलग से कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सुरक्षा के लिए 350 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात भी किया गया है। भेड़िए को बेहोश करने के लिए वन विभाग ने एक्सपर्ट्स भी बुलाए हैं। भेड़िए वाले जोन में हाई माइट मस्ट लाइटें भी लगाई गई हैं। देखिए, कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जंगली जानवरों के आतंक से दहशत इस समय फैली हुई है। सवाल ये है कि क्यों इंसानी आबादी में जंगली जानवरों का आना ज्यादा हो गया है, और इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? आखिर अचानक बहराइच सीतापुर में आदमखोर भेड़ियों का आतंक कैसे बढ़ा? क्या पहले भी ये क्षेत्र खूंखार जानवरों से प्रभावित रहे हैं क्या? पहले कब कब उत्तर प्रदेश में आदमखोर जानवरों का आतंक रहा है, ये भी एक सवाल है। पिछले 2 दिनों में एक बार भेड़िए झुंड में आए और उन्होंने बच्चों और बुजुर्ग को निशाना बनाया। इन हमलों से गांव के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो चुके हैं इस समय। उधर बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के हमले का CM योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान दिया। उन्होंने विभागीय मंत्री तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। CM योगी ने अधिकारियों से कहा है कि हर हाल में भेड़िए के हमले को रोका जाए, भेड़िए को पकड़ने का प्रयास किया जाए। अधिकारी आवश्यकता के अनुरूप कदम उठाएं। प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, स्थानीय पंचायत, राजस्व विभाग क्षेत्र में व्यापक जन जागरूकता को भी पैदा करें। लोगों को सुरक्षा के उपाय के बारे में भी तफसील से बताई जाए। वन विभाग के साथ दूसरे विभाग मिलकर के ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ाएं। बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बिजनौर में अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की जाए। वरिष्ठ अधिकारी जिलों में कैंप करें और जनप्रतिनिधियों से सहयोग लें। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर लाइट की समस्या है, वहां पेट्रोमैक्स की व्यवस्था की जाए। तो ये तमाम कोशिशें इस समय की जा रही है और योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी दिशा निर्देश दिए गए हैं।